भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी आज धौलपुर आए, जहां प्रधान होटल में उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जिला प्रमुख और पंचायत चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की पूरी रूपरेखा प्रेस को बताई। इस दौरान भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता में क्या कहा, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। जयपुर में पार्टी की समन्वय समिति की सब बैठक हुई थी। उस बैठक में आगे की पूरी कार्ययोजना के बारे में प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में चर्चा हुई। उसके साथ में ही जिला परिषद की दो दो तीन सीटों के ऊपर हमने सर्वे के नाते कुछ कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया, जिसमें जिला परिषद की दो तीन सीटें और उसके नीचे की जो पंचायत समिति की सीटें आती हैं उनके ऊपर उन सब क्षेत्रों में कौन कौन प्रभावी लोग हो सकते हैं पार्टी की तरफ से, इनका सर्वे करके कल एक को छोड़कर बाकी सब ने अपनी रिपोर्ट कल शाम तक दे दी है। पार्टी के पास एक मोटा मोटा आकलन आ गया है। हम इस सारे विषय पर, पार्टी की एक पुरानी कार्यपद्धति है, पार्टी की एक प्रत्येक पंचायत समिति के स्तर पर आज शाम को बैठकें होंगी। उन बैठकों में तीन तीन नामों का एक पैनल बना करके लेके आएंगे, प्रत्येक जिला परिषद का वार्ड और पंचायत समिति का वार्ड, उसके आधार पर वो कर यहाँ के कल जिला स्तर की बैठक धौलपुर में होगी, उसमें शॉर्टलिस्ट करके तीन नामों का पैनल जिला की टीम यहाँ बनाएगी, जिला परिषद के और पंचायत समिति के नामों का। फिर 6 तारीख को प्रदेश में जयपुर में इन विषयों को लेकर के प्रदेश की जो समिति है उस समिति के साथ बैठ करके प्रदेश की समिति जिन प्रत्याशियों का नाम फाइनल करेगी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़ेंगे। हम पंचायत चुनाव और पंचायत चुनाव का ये एक तरह से चौथा दौर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार अभी भी वो 5 चुनाव बचे थे, 5 के एक साथ भी घोषणा कर सकते थे, लेकिन कुर्सी बची रहे और कोई ना कोई चुनाव चल रहा है इस आड़ में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन को रोक सकें, इस कारण एक एक दो दो जिलों के चुनाव करा रहे हैं। अभी भी 2 जिलों के चुनाव हैं, अलवर और धौलपुर के। लगता है कि सत्ता का जो संघर्ष कांग्रेस में चल रहा है वो सत्ता का संघर्ष केवल कांग्रेस को प्रभावित नहीं कर रहा है, इन 3 वर्षों के कालखंड में लगातार राजस्थान की जनता को प्रभावित कर रहा है। राजस्थान का विकास पूरी तरह ठप हुआ है, चाहे पंचायत का क्षेत्र देख लें, गाँवों का विकास देखें या शहरी विकास देखें, एक भी पैसे का नया काम शुरू नहीं किया। यहाँ तक है जो सड़कें पिछली भाजपा सरकार के समय बनी थी उन सड़कों के भी गड्ढे भरने का काम इस सरकार के दौरान हुआ। इन्होंने चुनाव के समय कुछ वादे किए थे, हम पंचायत के चुनाव में जा रहे हैं जिसमें बहुतायत किसान वर्ग है जो अपने मतदान को देता है, उन किसानों को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के नेता नहीं, इनके सर्वोच्च नेता ने सभा में घोषणा करते हुए कहा था, 1 से 10 तक की गिनती बोली थी और 10 तक की गिनती बोलते हुए हम किसानों की ऋण माफ़ी के प्रस्ताव को पारित करके भेजेंगे। आज भी राजस्थान का किसान ठगा हुआ महसूस करता है कि लगातार अभी भी संपूर्ण ऋण माफ़ी के उनका जो वादा था उसका इंतजार कर रहा है कि कब वो घोषणा करेंगे हमारा ऋण माफ़ी होगा। बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था, राजस्थान में लगभग कोई 6 लाख के आसपास बेरोजगार है और केवल कुछ हज़ार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देकर के इतिश्री करने का काम किया। आज बेरोजगार केवल बेरोजगारी भत्ते से जहाँ अटका हुआ है, वहीं जो इन्होंने एक जलेबी रोजगार की लटकाई थी, लगातार वो देख रहे हैं कि एक एक करके जितनी भी परीक्षाएं पिछले दौर में सरकार ने अपने आप को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम लिखाने के लिए की थी, बड़ा वादा ढिंडोरा पीटा था 26 लाख की होगी रीट की परीक्षा, एक इतिहास में पहली बार होगी, लेकिन जिस तरह परतें उतर रही हैं इस धौलपुर ज़िले में भी कुछ स्थानों पर उनका पेपर खुला हुआ निकला। ये खुला हुआ परीक्षा अपने आप में प्रकट करता है कि पेपर लीक हुआ था, जगह जगह गिरफ्तारी हुई है, बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को सरकार ने सस्पेंड किया है, ये प्रकट करता है, चाहे नीट की परीक्षा हो, एसआई की परीक्षा हो, रीट की परीक्षा हो। युवा एक बड़ी आशा से देखता है, तैयारी करता है कि सरकार ने वैकेंसी निकाली है, मुझे रोजगार का अवसर मिलेगा, और जब उस रोजगार के अवसर पर कहीं नाथी भाई का बाड़ा बना करके लोग अपने परिवार के लोगों को RPSC में चयन कर लें तो व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास क्योंकि कांग्रेस का सत्ताधारी दल की सिफारिश नहीं है इस कारण मेरा चयन नहीं हो सकता, इसका जवाब बन। बिजली के बिलों में इन्होंने कहा था हम किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करेंगे, आज लगातार बिजली का बिल देश में सबसे अधिक बिजली का बिल राजस्थान में है। पिछले दिनों आप सबने भी अपने चैनल्स पर अखबारों में दिखाया था,
जो औद्योगिक बिजली की मैं बात करूं तो देश में सबसे अधिक यहाँ पर है। इस कारण से उद्योगपति भी पलायन कर रहे हैं। किसानों को जो राजस्थान में हम पास के उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, जनरेटर होते हैं और उन जनरेटर के माध्यम से बिजली जाती थी, वहाँ तो जनरेटर हट गए घरों से। लेकिन राजस्थान में, राजस्थान की कांग्रेस सरकार के समय घरों में लोगों ने छोटे छोटे जीडी सेट खरीद करके बिजली मैं कैसे सुचारू कर सकता हूँ इसकी व्यवस्था की है। बिजली का मोटा बिल और उसके साथ कटौती, 8-8, 10-10 घंटे की कटौतियाँ चल रही है, जो आम आदमी इससे बुरी तरह परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने बिजली के बिलों को भी नियंत्रित किया था और बिजली की आपूर्ति को भी पूरी तरह सुनिश्चित करने का काम किया। हम किसानों को, मैंने कहा कि किसानों के ऋणों की बात की, आज बाजरे की खरीद पिछली बार ही मुद्दा बना था। यहाँ लगभग आपके धौलपुर ज़िले में हम बात करें तो 1300 के आसपास बाज़ार में किसान की बाजरे की खरीद हो रही है। केंद्र ने 2250 रुपये बाजरे की खरीद का समर्थन मूल्य घोषित किया है। राजस्थान सरकार को केवल केंद्र में प्रस्ताव भेजना है, केंद्र सरकार तैयार है खरीद करने के लिए, लेकिन बार बार मांग करने के बाद भी राजस्थान सरकार इस बाजरे का प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेज रही, जिसका लाभ राजस्थान के किसानों को मिल सकता है। हमारी स्पष्ट है कि अब भी सरकार चेते, ये फसल खड़ी हुई है, कुछ जगह कट गई, कुछ जगह कटने की तैयारी है, उसको तुरंत इसका प्रस्ताव भेजे, केंद्र सरकार से खरीद इसकी चालू हो, जिससे लाभ सीधा सीधा बाजरे के लोगों, जो व्यापारी उत्पादक हैं, जो किसान, उनको मिल सके। साथ ही कुछ जगह बाजरा जो अभी खड़ा हुआ है, वहाँ बरसात के कारण बाजरा काला हो चुका है, इसकी मुआवजे की घोषणा भी राजस्थान की सरकार तुरंत करे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की मांग है। हमने इन विषयों को लेकर के जहाँ 1 तारीख को बाजरे की खरीद शुरू करने के लिए SDM मेट्रो हेडक्वार्टर्स के ऊपर किसान मोर्चे के माध्यम से प्रदर्शन करने का काम किया और उसको ज्ञापन देने का काम किया। आज 4 तारीख को भारतीय जनता एवं मोर्चा सब स्थानों पर सारे प्रदेश में नीट और इसके साथ की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पारदर्शी तरीके से नहीं कराना और इसकी CBI से जाँच की मांग को लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आंदोलन केवल 1 और 4 तक नहीं, लंबा चलने वाला है, चाहे बाजरे की खरीद का विषय हो या नीट का विषय, इन विषयों को मुंबई लेके जाएंगे और जब तक राजस्थान की सरकार इसका समाधान नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब के तार सीधे सीधे मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्यों तक जाते हैं, वो खुलकर के सामने आने चाहिए, इन सब की जांच हो और पूरा मामला एक लोगों के सामने आए। हम पंचायत के चुनाव में जा रहे हैं, आप उन सबको ध्यान है कि पहले तो इस सरकार ने सरपंचों के जो पैसा था उसको PD अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर और बाहर भी इस विषय को उठाया और सरपंच संघों ने भी इस विषय को उठाया तो PD अकाउंट से ट्रांसफ़र करके उनके खाते में पैसा देना शुरू किया। लेकिन लंबी मांग के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं किया। गठन करने के बाद भी अभी तक केवल 2 किस्तें पंचायत राज के लिए राज्य वित्त आयोग की भेजी गई हैं और जब तक राज्य वित्त आयोग का पैसा नहीं पहुँचता, विकास नहीं होता। इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों पर, कहीं पर मेवात विकास बोर्ड है, कहीं डांग विकास बोर्ड है, अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं, उनके माध्यम से पैसा जाता है और वो पैसा भी नीचे अपने अपने क्षेत्र में विकास का एक बड़ा आधार होता है। अभी तक 1 पैसा भी ये जो अलग अलग विकास के बोर्ड बने हुए हैं, इन विकास बोर्डों को इस सरकार के द्वारा देने का काम नहीं हुआ है। मैं धौलपुर ज़िले में बैठा हूँ, धौलपुर ज़िले में राजनीतिक रूप से उत्पीड़न की घटनाएँ प्रचुर मात्रा में हैं, सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ थाने, पुलिस और सत्ताधारी दल के नेता और जनप्रतिनिधि, इनका एक गठजोड़ है जो विरोध में उठने वाली हर आवाज़ को दबाने का काम करता है। हमने नगर पालिका के चुनाव में देखा, बाड़ी क्षेत्र में वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को पुलिस थाने का इंचार्ज अपनी जीप में ले जा करके विड्रॉ करा रहा था। हमने राजाखेड़ा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के बच्चों के ऊपर फर्जी मुकदमे दबा करके, जिस समय चुनाव चल रहा था, उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया, उत्पीड़न करने का काम किया। एक कहीं ना कहीं प्रयास है कि राजस्थान को बंगाल बना करके विरोध में कोई भी आवाज़ उठे उस आवाज़ को दबा दें। मैं केवल चेताना चाहूँगा कांग्रेस यहाँ के नेताओं को कि आपातकाल को नहीं भूले हूँ। आपातकाल में श्रीमती गांधी से ज़्यादा अत्याचार इस देश में किसी ने नहीं किए और श्रीमती गांधी के अत्याचार के बाद जो 77 का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी एक तिनके की तरह उड़ के चली गई थी। ये देश की जनता है जो लोकतंत्र के साथ खड़ी है, इसलिए मतदान का अधिकार जब उसके पास आएगा तो आपको करारा जवाब देगी। इसे मैं इस चुनाव में भी चेतावनी देता हूँ कि कहीं भी किसी प्रकार का प्रशासन और पुलिस ने अगर सत्ताधारी दल के साथ मिलकर के किसी प्रकार का उत्पीड़न या दबाव की राजनीति की तो भारतीय जनता पार्टी उसका हर स्तर पर जवाब देने की पूरी तैयारी करने के मूड में है। सारण का भ्रष्टाचार चरम पर है। मैंने कहा कि अभी
हम जैसे बजरी का विषय बहुत बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में निजी कृषि भूमियों के ऊपर बजरी के या किसी भी प्रकार के खनन पट्टे देने का कानून हमने लिया था और उसके माध्यम से उसके जहाँ जहाँ लीगलाइज तरीके से बजरी हो सकती है उसको राइट दिए थे। यहाँ इन्होंने उस लीगलाइज तरीके से काम को भी एक गठजोड़ बना करके कैसे उसके ऊपर इलीगल तरीके की बजरी प्रभावी हो उसका एक प्रयास पूरा किया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो हुटोवल चल रही है वो लूट के बंटवारे की लड़ाई है। अलग अलग क्षेत्र अपने अपने लूट के तय कर रखे हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो इन सत्ताधारी दल को झगड़े इनके निकल करके आ रहे हैं। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैंने जैसे बताया आज हमारे कल सब प्रभारी एक एक पंचायत समिति के प्रदेश ने तय किए हैं, प्रभारी और सह प्रभारी। कल रात से हमारे सब प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में चले गए, आज रात तक वो भी अपनी रिपोर्ट लेके आएंगे, हम लेके आएंगे और उसके बाद अपने नामों को यहाँ से कल लेके प्रदेश को लेके जाएंगे। मुझे विश्वास है जो वातावरण इस समय धौलपुर में है और ओवरऑल देखें तो अब तक जितने पंचायतों के चुनाव हुए हैं जिन जिलों में, उनमें से 17 जिलों में भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, कांग्रेस केवल 5 जगह जीती है। इन सब का आकलन करते हुए मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी धौलपुर की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगी और जिला परिषद और पंचायत समितियों के ऊपर हमारा कब्जा होगा। चतुर्वेदी जी, धौलपुर में चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे स्थानीय मुद्दों किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने ये कहा कि बिजली का मुद्दा स्थानीय है, किसानों का मुद्दा स्थानीय है, किसानों को ऋण माफी नहीं उनका मुद्दा स्थानीय है, गांवों का विकास ठप हुआ है ये स्थानीय मुद्दा है, कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है, किसान कहीं ना कहीं पुलिस थाने आज राजनीतिक स्थानीय नेताओं के जेब की में पड़े हुए हैं। इन चीज़ों के मुद्दों को लेकर के आम आदमी जिनसे त्रस्त है उन सब विषयों को लेकर के हम जाएंगे जो सीधे सीधे गांव को प्रभावित। जिला प्रमुख साहब भाजपा के था, सरकार यहाँ सरकार कांग्रेस की है पिछले 3 साल से, और पैसा जो जिला प्रमुख था, अब 3 साल कांग्रेस की सरकार है और 5 साल में से 3 साल का जो परिलक्षण होता है वो रिजल्ट निकल करके आता है। आपका भाजपा का जिला प्रमुख बन जाएगा सरकार 2 साल उसकी भी रहनी, विकास नहीं हो पाएगा आपके नाम। अब कहीं ना कहीं इस तरीकों को अभी हमने जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी है वहाँ अपने अपने तरीके से हमने कहीं फाइनेंशियल तरीका भी निकाल रहे हैं और सरकार के ऊपर दबाव देने का काम भी हम कर रहे हैं। चुनावों में भाजपा को करा दी हार मिली, ऐसा ही जिला प्रमुख और पंचायत के चुनावों में कई बार कुछ चीज़ें पुराने कड़वे अनुभव भी सीख देते हैं और उन सब से सीख लेकर के हमने कुछ कमियां हमारी रही उनको दूर करेंगे और मुझे विश्वास है कि यहाँ का प्रदेश जिले का नेतृत्व ये सब मिलकर के यहाँ पे हम जिला प्रमुख भी बनाएंगे पंचायत समिति। चतुर्वेदी जी आप कह रहे हो कांग्रेस में गुटबाजी की, कांग्रेस में गुटबाजी की बात कह रहे हो, लेकिन देखने में आ रहा है कि जिला भाजपा में भी गुटबाजी है, वसुंधरा राजे गुट अलग है और बीजेपी गुट अलग है, क्या कहना है इस बारे में? वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख नेत्री हैं। मैंने अभी चर्चा की है जिन विकास के कामों की, चाहे हम कहें कि आज जो जो काम वसुंधरा जी के पिछली भाजपा सरकार में चालू हुए थे उनको इस सरकार ने रोक दिया। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा जिसके माध्यम से 3 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज था, अन्नपूर्णा योजना 8 रुपए में खाना और 5 रुपए का नाश्ता इन्होंने रोक दिया। किसानों को हमने दिया था प्रति माह 833 रुपये बिजली के ऊपर उनको कहीं सहयोग राशि देने काम की, इस सरकार ने रोका। स्टेट का टोल वसुंधरा जी और पिछली भाजपा सरकार ने बंद किया था, इस कांग्रेस सरकार ने लागू कर दिया। इन सब मुद्दों को हम लेकर के जाएंगे, वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इसलिए अलग गुट नहीं, हम सब मिलकर के भाजपा बनते हैं। मंत्री जी आप जैसे किसानों गरीब की बात कर रहे हो, कल जिला अस्पताल में जो आईसीयू वार्ड है उसमें जो 200 रुपये अब तक लगता था गरीब से उसकी रेट 500 रुपये कर दी, जो व्यक्ति 250 रुपये की 300 रुपये की मजदूरी करता है उसकी पत्नी या बच्ची या माँ या खुद बीमार होता है वो आईसीयू में इलाज कैसे लेगा? भाजपा का आपसे लेके किसी भी प्रत्याशी को कोई ध्यान नहीं आया है। देखिए मोटे तौर पर मैं इस पूरे मामले में अभी कोरोना की बहुत बड़ी लड़ाई हमने देखी और कोरोना की लड़ाई में इस राजस्थान सरकार पूरी तरह फेल हुई। एक एक चीज केंद्र सरकार ने देने काम किया, चाहे वेंटिलेटर देने का विषय हो, N95 मास्क देने का विषय हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन देने का विषय होगा, ICU बेड तैयार करने का मामला होगा, मुफ्त अनाज देने का मामला होगा, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा पहले 6 महीने फिर 9 महीने तक मुफ्त अनाज देने का काम हुआ। इसी तरह 3 महीने तक पेंशन हमने महिलाओं के खातों में सीधे 500 रुपये भेजने का काम किया, नरेंद्र मोदी ने किया। ये सब करने के बाद भी राजस्थान सरकार उन सब की व्यवस्था नहीं कर पाई। दूसरे वेब में ऑक्सीजन की कमी के कारण से बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई। केंद्र ने अपनी तरफ से लगभग 225 करोड़ रुपया पिछले अक्टूबर नवंबर तक राज्य के पास भेज दिया था। राज्य अगर सजग होता, लोगों के प्रति संवेदनशील होता तो उस पैसे को निकाल करके 7 जगह ऑक्सीजन प्लांट बना लेता
तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई बहुत सारी चीज़ों को रोक सकते थे। ये सरकार पूरी तरह संवेदनहीन है, अपनी कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं है, आर्थिक तंत्र खड़ा नहीं कर सकते, लोगों के ऊपर वजन डाल करके उसको कैसे हम निचोड़ सकते हैं, इसकी योजना बना। नहीं ये गलत है कि सही है 200 का 500? मैंने कहा, मैंने पूरी अच्छी बात की, 100% गलत है। जहाँ ये सरकार का काम है, स्वास्थ्य प्राथमिक जिम्मेदारी, हमने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी जिसमें 3 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की बात थी। नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना शुरू की जिसमें 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज है। राजस्थान की सरकार ने 3 लाख रुपये का भामाशाह स्वास्थ्य बीमा बंद कर दिया और आयुष्मान योजना को चालू नहीं किया, चिरंजीवी के नाम से चालू किया, जिसका लाभ कोई भी निजी चिकित्सालय किसी को नहीं दे रहा। जहाँ एक तरफ नरेंद्र मोदी और पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार वसुंधरा जी के नेतृत्व में मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर रही थी, ये उसके ऊपर टैक्स वसूल करने का काम कर रहे हैं, ये आम आदमी का कमर तोड़ने का काम। अब बीजेपी को लोग वोट क्यों दें? किसान आंदोलन कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में जिन मुद्दों को आप लेकर आए थे उन चीज़ों में सब डिफीट हो रहे हैं। आज देश का बड़े पैमाने पर किसान, अभी सरसों का समय निकला है, अभी सरसों का समय सर मेरे लखीमपुर में, अभी तो मैं सरसों का भी समय निकला है। सरसों की किसानों ने मुझे कहा, मैं भरतपुर चुनाव में था, लगातार 7,000 रुपये तक कभी भी सरसों नहीं बिकी, ये पहली बार बिकी है। हम मांग कर रहे हैं, जो राजस्थान सरकार रोक रही है, 2,250 रुपये बाजरा है जो राजस्थान सरकार उसका प्रस्ताव नहीं भेज रही, जिसका पैसा केंद्र सरकार को देना है। इसलिए सारे देश में किसान कानूनों का समर्थन कर रहा है, कुछ जगह कुछ राजनीतिक कारणों से कुछ लोग उसका छुटपुट कुछ जगह विरोध कर रहे हैं, अधिकांश जगह पूरा समर्थन इसका है। पेट्रोल का अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और सबसे ज़्यादा GST कहीं अगर हो रही है तो राजस्थान में GST ली जा रही है, वैट के ऊपर 36% पेट्रोल के ऊपर, 26% डीजल के ऊपर। मैं बॉर्डर में बैठा हूँ, मैं बॉर्डर स्टेट में बैठा हूँ, आपके यहाँ कई ट्रांसपोर्टर ऐसे होंगे जिनके खुद का पेट्रोल 100 ट्रक और कुछ चल रहे हैं, जिनका खुद का पेट्रोल पंप होगा, लेकिन वो मध्य प्रदेश में जाकर या उत्तर प्रदेश में आगरा में जाकर डीजल डलवाते हैं। तो राजस्थान सरकार को करना चाहिए, अपना टैक्स कम करें। पिछले दिनों जब यहाँ मांग हुई थी कि इसको कहीं ना कहीं वैट के इसमें GST के दायरे में लाया जाए, तो केंद्र में इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार लेके आई थी, उस समय कांग्रेस शासित सब मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध किया। और GST का एक नियम है, GST में सर्वसम्मति के आधार पर ही कोई निर्णय हो सकता है, किसी भी का भी विरोध होता है तो उसका निर्णय नहीं हो सकता। अगर ये वास्तव में ईमानदार है कांग्रेस, तो अपने मुख्यमंत्रियों को कहे, अपने वित्त मंत्रियों को कहे, GST काउंसिल में इस विषय को जब प्रस्ताव आता है तो साथ दें, जिसके GST के दायरे में आए लोगों को राहत मिले। तो स्टेट समर्थक है, मैं भी हूँ, मैं हम सब हमना देख रहे हैं, हम 77 से संग हैं, हम सब साथ हैं। ये बनकर ना वसुंधरा जी, एक मिनट जैसे मंडी वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो हम सबकी नेता हैं। और उस सबके जब वो कल बैठ करके कोर समिति की बैठक में प्रत्याशी चयन करने में उनका लाभ हाथ रहने वाला है, हर विषय पर निर्णय की प्रक्रिया में वो हैं, इसलिए निश्चित रूप से पार्टी का नेतृत्व तो जो कहेगा हम सब करने वाले हैं। नगर परिषद चुनाव में डिफीट मिली है, जो बसंतरपुर से मिली है, मैं उसके आंतरिक कारण है, उन सब कारणों को पार्टी ने समीक्षा की है, करके उसमें काम करें। क्राइटेरिया क्या रखा है आपने टिकट वितरण का? जिताऊ और टिकाऊ, गांव और नुक्कड़ का ये चुनाव है, इसमें मोदी के नाम को लेकर आप चुनाव नहीं कर सब कुछ करेंगे, स्थानीय मुद्दा है, अगर आप मोदी के नाम, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के नेता नहीं है, जब वो आम आदमी को शौचालय के लिए पैसा देते हैं तो गांव आदमी को मिलता है, जब कहीं आयुष्मान योजना के माध्यम से बिजली इलाज फ्री करने की बात करती है तो गांव और किसान को लाभ मिलता है, सड़क पहुंचने की बात होती है वहां से, जल जीवन मिशन में 10,000 से अधिक करोड़ का पैसा अगर राजस्थान की सरकार लेकर के उपयोग नहीं कर रही, जिससे हर घर नल से जल योजना है, उसका लाभ सीधे सीधे गांव के व्यक्ति को मिलेगा, तो नरेंद्र मोदी जी की योजना जो अंत्योदय की योजना है उन सबका लाभ है, तो उन विषयों को भी लेकर के हम जाएंगे।